हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अगले वीडियो में सभी पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे, राइट। तो इसके बेस पे हमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। तो देखो जो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में ऑप्शन दी गए हैं, तो ये ऑप्शन की हेल्प लेके हमें ये ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, बैक स्पेस, सीपीयू, स्पेस बार, कर्सर कीज, एंटर, शिफ्ट, डिलीट, माउस, क्लिकिंग एंड कैप्स लॉक। वन नंबर ब्लैंक्स, द ब्लैंक की इरेज अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि हम कीबोर्ड में जो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, राइट, तो इसके हमें बाय चांस हमें टाइप करने में मिस्टेक होगी, तो इरेज करना है तो हम कैसे करेंगे, बैक स्पेस के हेल्प लेके। जैसे हम आप लिखते हो पेंसिल से, राइट, तो आप इरेज कैसे करते हो, इरेजर से। इसी तरह हम मॉनिटर में हमें टाइप करने में मिस्टेक हो जाए तो हमें इरेज करना है तो हम कैसे करेंगे, बैक स्पेस से। द ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज अ वीडियो, वीडियो को हम दूसरे क्या नाम से पहचानते हैं, मॉनिटर, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। द ब्लैंक्स आर यूज टू मूव द कर्सर अप और डाउन अ लाइन एंड टू द लेफ्ट और राइट ऑफ अ लाइन, यानी कि जो कर्सर होता है, राइट, उसको हमें अप डाउन लेफ्ट राइट करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, कर्सर कीज, जो मैंने आपको अगले वीडियो में वो प्रैक्टिकल करके दिखाया था। द ब्लैंक इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, कौन सा पार्ट है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर है वो सीपीयू के बिना ऑपरेट नहीं होता, इसलिए वो कंप्यूटर का क्या कहता है, क्या कहते हैं हम उसका, ब्रेन। फाइनल, द एक्शन ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन एंड लिविंग इट, इट इज कॉल्ड, यानी कि क्लिकिंग, यानी कि जो माउस है उसका बटन है जो हम एक बार प्रेसिंग करके लिविंग इट यानी कि छोड़ देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लिकिंग। जो डबल बार क्लिक करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, डबल क्लिक। और माउस बटन प्रेसिंग करके हम मूव करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ड्रैगिंग। तो यहाँ पे क्या दिया कि वन टाइम प्रेसिंग करके लिविंग इट यानी कि छोड़ दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लिकिंग। सिक्स नंबर, द ब्लैंक्स की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर, यानी कि हमें कैपिटल लेटर टाइप करना है तो हम किसकी हेल्प लेके करेंगे, कैप्स लॉक कीबोर्ड में होता है, जो हम ऑन करेंगे तो सभी लेटर्स कैपिटल होंगे, जो मैंने आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाया था। सेवन नंबर, द ब्लैंक इज यूज टू प्रिंट ऑन पेपर, यानी कि हमें जो मॉनिटर में हमें जो टाइप किया है उसकी हमें प्रिंट निकालनी है तो हम किसकी हेल्प लेके प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंटर की मदद से। द ब्लैंक इज यूज टू पुट स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स, यानी कि हमें वर्ड्स हम सेंटेंस सभी टाइप करते हैं तो इसके बीच में स्पेस होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं दिखा दी हूँ आपको, ये स्पेस आप देख रहे हो, तो ऐसे ही हमें स्पेस चुननी है तो हम क्या यूज करेंगे, स्पेस बार। जो कीबोर्ड में जो बिग स्विच है, मोटा मोटी स्विच है, बराबर है, देना पर शू कहवाई, स्पेस बार, इसको हम क्या कहेंगे, स्पेस बार। द ब्लैंक इज नो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि जो मॉनिटर में मैंने आपको व्हाइट कलर का एरो दिखाया था उसको हम क्या कहेंगे, माउस पॉइंटर। तो हम उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, माउस से, तो वो हमें पॉइंट करता है कि आप एग्जैक्टली मॉनिटर पर कहाँ पर हो, तो इसमें क्या आएगा, माउस। द ब्लैंक की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, एंटर की। तो एंटर हम प्रेस करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर, कर्सर जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। द ब्लैंक की इरेज अ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि हमें राइट साइड का इरेज करना है तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे, डिलीट। लेफ्ट साइड का इरेज करना है, जो हमने अगली ब्लैंक देखी, हमें राइट लेफ्ट साइड का इरेज करना है तो बैक स्पेस, और राइट साइड का इरेज करना है तो डिलीट। द ब्लैंक की इज यूज टू
टाइप द ऑप्शंस गिवन एट द टॉप ऑफ द पर्टिकुलर की. यानी कि मैंने आपको शिफ्ट की दिखाई थी, यानी कि हमें कोई भी एक लेटर, मैंने आपको बताया था एक लेटर हम कैपिटल करते हो कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ. और शिफ्ट का शिफ्ट जैसे आप देखे तो हम शॉर्टकट की में भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा शिफ्ट. अब ब्लैंक यहाँ पे ट्रू फर्स्ट दी गई है, देखो तो मैं हम ट्रू फर्स्ट देखते हैं. राइट हो तो इसमें क्या करना है ट्रू, और रॉन्ग हो तो फॉल्स. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक. ऑब्वियसली कंप्यूटर वो एक मशीन है और एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वो मिस्टेक नहीं कर सकता, तो इसमें क्या आएगा ट्रू. राइट है यानी कि क्या आएगा ट्रू. द माउस इज कॉल्ड वीडियो. नो, माउस इज कॉल्ड वीडियो नहीं, वीडियो हम किसे कहते हैं मॉनिटर को, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स. अ कंप्यूटर कैन नॉट रिमेम्बर मैनी थिंग्स. रॉन्ग, कंप्यूटर कैन रिमेम्बर मैनी थिंग ऐसा आएगा. तो यानी कि कंप्यूटर सब कुछ याद रख सकता है उसमें सब, क्योंकि वो सब इसमें सब कुछ स्टोरेज होता है इसलिए. तो इसमें क्या आएगा कैन नॉट, मतलब नहीं कर सकता, यानी कि क्या आएगा इसमें फॉल्स. द कीबोर्ड हैज टू और थ्री बटन्स ऑन इट. ये रॉन्ग है, कीबोर्ड में टू और थ्री बटन्स नहीं होते, किसमें होते हैं माउस में. कीबोर्ड में तो बहुत सारी कीज होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स. द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर. यस, तो ये ब्लैंक में भी अगर आ गया है, यानी कि कैपिटल लेटर्स टाइप करना माटे हम किसकी हेल्प लेते हैं कैप्स लॉक की, तो इसमें क्या आएगा ट्रू. द एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर. यस, मैंने आपको बताया था जी वो मॉनिटर पर व्हाइट कलर का एरो होता है, इसको हम क्या कहेंगे माउस पॉइंटर. तो ये क्या, इसमें क्या आएगा ट्रू. तो देखो बच्चे, सभी ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग आपको होमवर्क में वन टाइम करना है. थैंक यू.